पेंटिंग सिखाऊंगी। तो उसके लिए मैं पहले आप लोग को मटेरियल्स बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने पोस्टर कलर्स यूज किए हैं, आप लोग एक्रेलिक कलर्स भी यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश 4 नंबर का लिया है और दूसरा वाला फ्लैट ब्रश 6 नंबर का लिया है, और मैंने यहाँ पे राउंड ब्रश 2 नंबर का लिया है, और मैंने यहाँ पे एक पैलेट लिया है, और मैंने यहाँ पे एक पेंसिल लिया है, और मैंने ड्राइंग बुक ली है। आप A4 साइज की शीट भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पे पेंसिल से एक कैंप फायर की ड्राइंग बना लूंगी। फ्रेंड्स, ये हम लोग यहाँ पे एक ट्री बना ले रहे हैं। फ्रेंड्स, तो अब हम लोग यहाँ पे ट्री को खत्म कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पे नीचे में पत्थर बना दूंगी। फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पे आग बना रही हूँ। मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रिक बना रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए, अब हमारी ड्राइंग पूरी हो चुकी है। तो अब मैं इसमें पेंटिंग करूंगी। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं इस पोर्शन में पूरा ब्लू कलर से पेंटिंग कर दूंगी, ब्लू एंड डार्क ब्लू। आप एक ही डायरेक्शन में करिए। अगर आप स्लीपिंग में करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके फ्रेंड्स, तो आप मुझे फेसबुक पे स्वर्णरेखा मिश्रा के आईडी से कमेंट कर सकते हैं कि आपको मेरी ये पेंटिंग कैसी लगी। अगर आपके पास ज्यादा डार्क कलर नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा ब्लैक ऐड करके फिर डार्क भी कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास लाइट नहीं है पोस्टर कलर्स में तो आप उसमें थोड़ा सा वाइट मिला लीजिए, फिर वो लाइट हो सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आपके पास वाइट कलर नहीं है तो आप कोई भी पाउडर मिक्स ग्लू मिला के और उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके वाइट बना सकते हो।
ओके फ्रेंड्स, तो अब इतने दूर मैंने यहाँ पे डार्क किया है, तो अब मैं इसे लाइट फिर से डार्क, और फिर जो है मैं यहाँ पे इतने पोर्शन में पर्पल करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप इसे अच्छे से फिल कर लीजिए ताकि आपका ये अच्छे से बन जाए। और फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे जो आग बनाई है उसमें जितने दूर आग है ना उतने दूर हमें ब्लू पेंट नहीं करना है, और ट्रीम के भी जो यहाँ पे हमने लीव्स बनाए हैं उसके अंदर भी हमें नहीं करना है, उसमें आप लोग देख के अच्छे से कर लेना, नहीं तो आपका बिगड़ जाएगा पूरा पेंटिंग। और हो सके तो आप लोग यहाँ स्टार्टिंग से ही ट्री स्टार्ट कीजिए तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ब्लू कलर पूरा कर लिया है, तो अब मैं यहाँ पे पर्पल कलर कर लूंगी। ब्लू पोस्टर कलर्स में पर्पल कलर नहीं रहता है, इसलिए आप लोग ब्लू कलर और रेड कलर को मिक्स करके पर्पल बना सकते हैं। फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर बना लिया है, तो अब मैं यहाँ पे कलर कर लूंगी। आप थोड़ा सा इसे ब्लू पे भी चढ़ा सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स, अगर आपका कलर इससे भी लाइट बने तो वो अच्छा है, ना इससे लाइट नहीं बनाया आपका इससे लाइट बने तो वो भी चल सकता है, वरना ये जो मैंने बनाया है ये भी कलर चलेगा। फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये मैंने यहाँ पे पर्पल कर लिया है, तो अब हम इसे अच्छे से सूखने के लिए देंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे कहीं कहीं पे वाइट डालना है। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पे इस ट्री को ब्लैक कलर से पेंट कर दूंगी। मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश 4 नंबर का लिया है ट्री को पेंट करने के लिए, और मैंने यहाँ पे ब्लू और पर्पल फ्लैट ब्रश 6 नंबर का लिया है।
ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ का जो बॉर्डर है वो राउंड ब्रश 2 नंबर से करूँगी ताकि अच्छे से हो। आप इसमें ज़्यादा पानी ना मिलाए, नहीं तो ये लाइट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अब ये देखिए मैंने यहाँ पे क्रीवी कंप्लीट कर लिया है और हमारा ये भी सूख चुका है, तो मैं यहाँ पे कहीं कहीं वाइट का शेड दे रही हूँ। मैं यहाँ पे वाइट का शेड फ्लैट ब्रश 4 नंबर से ही दूंगी। बस हमें इतना ही देना है। अब हमें यहाँ पे नीचे का पोर्शन करना है। यहाँ पे मैं स्टोन्स में ब्लैक एंड ग्रे दूंगी और बाकी ज़मीन पे यहाँ पे मैं ग्रीन कलर का शेड दे रही हूँ अभी। मेरे फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पे पैलेट में ग्रीन और डार्क ग्रीन का शेड लिया है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ी है, यहाँ पे हमें हल्का सा जो है वो ब्लैक देना है, एकदम पतली सी लाइन, और ग्रीन भी लकड़ी को छोड़ के आप लोग करिए।
फ्रेंड्स, तो अब मैंने यहाँ पे ग्रास को भी कर लिया है। तो मैं यहाँ पे हल्की सी ब्लैक कलर की लाइन दूंगी यहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर की स्ट्रिप दे दी है। तो अब मैं यहाँ पे स्टोन्स में कर लूंगी। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे थोड़ा एक बूंद सिर्फ ब्लैक लिया और बाकी पूरा व्हाइट लिया है। तो अब मैं इसे मिक्स करके ग्रे बनाऊंगी। स्टोन्स को करने के लिए मैं राउंड ब्रश नोबो का लेने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी मेरा यहाँ पे ग्रे नहीं बना है, तो मैं यहाँ पे और थोड़ा सा व्हाइट ऐड करूँगी। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे मैंने होममेड वाइट बनाया था, क्योंकि मेरे पास वाइट नहीं था। तो और उसी में मैंने थोड़ा सा ब्लैक मिक्स कर दिया है। तो अब देखिए मेरा यहाँ पे ग्रे बन चुका है पूरा। तो अब मैं यहाँ पे पहले स्टोन्स में यहाँ पे साइड में जो है थोड़ा सा लाइन ऑफ ब्लैक देने वाली हूँ, एक लाइन बस इस तरीके से सारे स्टोन्स में। नीचे साइड से हमें देना है, ऊपर साइड से नहीं देना है, क्योंकि ऊपर साइड में आग रहेगी ना, इसलिए ऐसी मैं अब पूरे स्टोन्स में कर लूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टोन्स में कर लिया है और मैंने यहाँ पे दोनों स्टिक्स में भी कर लिया है। तो मैं यहाँ पे ग्रे कलर कर लूँगी। मैं ऐसे पूरे स्टोन्स में कर लूँगी। फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे ग्रे कलर कर लिया। तो अब मैं यहाँ पे आग को कलर कर लूँगी। उसके लिए मैं यहाँ पे येलो, ऑरेंज और रेड लूँगी। फ्रेंड्स, इसके लिए भी मैं राउंड ब्रश चूना का यूज़ करूँगी। साइड साइड से पहले बीच में थोड़ा सा रेड दे रही हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे येलो दूंगी। यहाँ पे मैंने लेमन येलो लिया है। आप नॉर्मल येलो भी यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो ये हमारा आग में कलर हो चुका है पूरा। और जब ये सूख जाएगा तो बाद में इसमें मैं थोड़ा सा वाइट का शेड और ब्लैक का शेड दूंगी, थोड़ा थोड़ा सा। तब तक मैं यहाँ पे स्टिक्स में ब्राउन कलर कर लूँगी। मैंने इस पर भी थोड़ा सा शुरुआत में येलो दिया है। अब मेरा यहाँ पे ग्रीन कलर थोड़ा सा सूख गया है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्राउन, येलो और रेड का शेड थोड़ा ऊपर ऊपर में दूंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ऑरेंज नहीं है तो आप रेड और येलो को मिक्स करके ऑरेंज बना सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो, वरना आप सिंपल यूज कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टोन्स पे भी कर लिया है।
तो मेरा यहाँ पे फायर भी सूख चुका है, तो अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक और थोड़ा सा वाइट का शेड दूंगी। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए अब हमारी पेंटिंग पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।